प्रथम तहलका न्यूज। जींद में धरने पर बैठी महिला को कार द्वारा टक्कर मारने के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अब संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज ने एसपी से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। ये घटना दिल्ली की है, लेकिन मामला जींद में दर्ज करवाया गया है। अनिल विज ने जानकारी दी कि उन्होंने एसपी को निर्देश दे दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। बता दें कि पीड़िता ने मंत्री अनिल विज को ट्वीट भी किया था, जिसमें पीड़िता ने अनिल विज से मामले में जांच पड़ताल करवाने की मांग की थी। मैंने एसपी से बात की है, घटना जो है वो दिल्ली की है और मामला यहाँ जींद में दर्ज कराया गया है। जो उचित कार्रवाई होगी, मैंने एसपी को कहा कि तुरंत उसकी कार्रवाई की जाए। भाजपा ने बिहार चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कोरोना की वैक्सीन को बिहार में मुफ्त देने की घोषणा की है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर पलटवार किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी विपक्षी पार्टियों को जवाब देते हुए कहा कि घोषणा पत्र में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में देने की घोषणा करना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में प्राथमिकताएं आती है और इस वक्त कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसमें गलत क्या है? जो घोषणा पत्र होता है वो प्राथमिकताओं का दस्तावेज होता है उस पार्टी का, कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये काम करेंगे। और आज प्राथमिकताओं में कोरोना की वैक्सीन जो है वो सबसे एक नंबर पर है, तो हमारी पार्टी ने उसकी घोषणा की है और पहले भी घोषणाएं होती आई हैं। लोग अपने मैनिफेस्टो में साइकिल देने की घोषणा करते आए हैं, टेलीविज़न देने की घोषणा करते आए हैं, लैपटॉप देने की घोषणा करते आए हैं। इस प्रकार की घोषणाएं हमेशा होती आई हैं। तो अगर हमारी पार्टी ने कोरोना वैक्सीन फ्री देने की बात की है तो कुछ गलत नहीं की। अनिल विज ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसा है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में दोबारा से धारा 370 लगवाए जाने की बात कर रही है। तो वही मंत्री विज ने निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती सही मायनों में अपनी रिटायरमेंट घोषित कर रही है, क्योंकि धारा 370 तो अब किसी भी हालत में लगने वाली नहीं है। विज ने कहा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार धारा 370 लगवाने की गलती की थी। तो सही मायनों में तो वो अपनी रिटायरमेंट घोषित कर रही है, क्योंकि धारा 370 अब किसी भी हालत में लगने वाली नहीं है। वो एक गलती उस वक्त कर दी उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और अब जवाहरलाल नेहरू नहीं है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब वो सपने लेना छोड़ दें धारा 370 लगने की, और जो उन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया है उनको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। हरियाणा के गृह मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज तीखी प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा वे किसी भी अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेता को बख्शते नहीं हैं। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।